नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं दी जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनको मैंने अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है। चाहे वो हाईकोर्ट की भर्तियों में भ्रष्टाचार रहा हो, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार रहा हो या यूपी ट्रिपल एससी में, तो दोस्तों उसी क्रम में एक बड़ी खबर है यूपी ट्रिपल एससी की। और मैंने दो दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो कर्मचारी हैं उन्हीं की मिली भगत से भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से ये एक दूसरी खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि 5 कर्मचारियों के खिलाफ आज FIR। जिन लोगों ने फॉर्म तक नहीं डाला उन 45 लोगों को भी नियुक्ति दे दी। तो इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में भी, अलग अलग समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचना छपी हुई हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के बारे में आजकल कुछ ज़्यादा ही सूचनाएं इस तरीके की निकल करके आ रही हैं। मैंने भी आप लोगों से बताया है कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जो धांधली होती है वो यूपी ट्रिपल एससी और जो परीक्षा एजेंसी है वहाँ से बहुत ज़्यादा धांधलियाँ होती रही हैं। ये एक नया मामला है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कार्यरत 5 लोगों के खिलाफ FIR। विभूति खंड थाने में सतर्कता अधिष्ठान की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कार्यरत 5 लोगों के खिलाफ भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये देखिए, और मेन बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कार्यरत, तो ये वहीं के कर्मचारी हैं 5 लोग। आगे लिखा है कि एक अन्य के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 6, वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिटायर्ड हो चुके हैं। नीचे लिखा है कि भर्ती कौन सी थी और इन लोगों ने किया क्या था। विभूतिगंज थाना प्रभारी राजीव द्विवेदी के मुताबिक 2014-15 में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग में 152 लोगों की भर्ती होनी थी। आरोप है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संतोष कुमार, पलविंदर सिंह, रामनरेश प्रजापति, दिनेश चंद्र यादव, सतई प्रजापति और रिटायर्ड अमरनाथ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 45 अयोग्य लोगों की भर्ती कर ली। इनमें से कुछ लोगों ने अनुभव का फर्जी प्रमाण पत्र और यानी कि बहुत सारी चीज़ें, आगे नीचे लिखा है कि लोगों ने फॉर्म तक नहीं डाले। तो ऐसे भ्रष्ट लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आ गए थे जिन्होंने पहले से ही बहुत सारी गड़बड़ी की थी और आज उनके खिलाफ FIR हुई है। इसके पहले भी यूपी ट्रिपल एससी की एक खबर मैंने बताई थी जिसमें से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का एक कर्मचारी था जिसका ट्रांसफर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हो गया था या उसने करवा लिया था और यहाँ पर आकर के अकाउंट ऑडिटर की भर्ती में खूब सारी धांधली की थी। देखिए ये खबर, ये देखिए, ये लिखा है यूपी ट्रिपल एससी ICDS के बाबू ने भर्ती में कर दिया खेल। ICDS में ये पहले था यानी कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उसके बाद में इसका ट्रांसफर हो गया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। यहाँ पर आने के बाद में इसने उत्तर प्रदेश की भर्तियों में खूब धांधली की। यहाँ पर लिखा है कि इसके बहुत सारे संपर्क भी थे। ये देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में भी बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के प्रधान सहायक अनिल कुमार द्वारा जमकर धांधली करने का मामला सामने आया है। कुछ दिनों के लिए आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अनिल पर लेखाकार, उद्यान निरीक्षक और अवर अभियंता के पद पर भर्ती के लिए हुई परीक्षाओं में अनियमितता बरतने का आरोप है। आयोग की संस्तुति पर निदेशक ICDS शत्रुघ्न सिंह ने प्रधान सहायक को निलंबित कर दिया है। निलंबित अकेले से काम नहीं चलेगा। लिखा है, आयोग की ओर से ICDS निदेशक निदेशालय को भेज के संस्तुति में कहा गया है कि आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अनिल के कार्यकाल में 2015 में सहायक लेखाकार कोषागार के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम जब घोषित किया गया तो परीक्षा पास करने वाली सूची में 3 ऐसे लोगों के नाम थे जो ना तो शैक्षिक योग्यता पूरी करते थे और ना ही इन्होंने इंटरव्यू दिया था। इसके बावजूद भी फाइनल लिस्ट में इनका नाम आ गया था। ये जो अनिल कुमार है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसकी बहुत सारी पहुंच है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऊंची पहुंच के कारण इसकी कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं होती है। और ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर कि ऊंची पहुंच के कारण कोई अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था।
इस बार भी मामला आयोग से जुड़ा था और आयोग ने स्पष्ट तौर पर भर्ती में अनियमितता बरतने के लिए अनिल को आरोपी बनाया है, इसलिए निदेशक ने उन पर गाज गिराई है। तो यूपी ट्रिपल एससी के जो भी कर्मचारी हैं वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है, और अच्छी बात यह है कि अब इन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। बहुत सारे समाचार हैं आजकल, लगभग रोज ही समाचार पत्रों में यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारियों के बारे में कोई ना कोई सूचना देखने को मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।